अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं सुलेमान जाजिब और इस वक्त आप देख रहे हैं मिर्च मसाला टीवी। हम मौजूद हैं सिनेमा कैफ़े में, सिनेमा कैफ़े जो कि दुबई के हब में ऊद मेथा रोड पर वाक़ है और यहाँ पे आज टिकटॉकर के साथ एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। हमारे साथ हैं महक शाहरुख। महक शाहरुख टिकटॉकर भी हैं और यहाँ पर काफ़ी फेमस भी हैं। महक, आज का जो इवेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया, जहाँ पे हम खड़े हैं आप देख रही हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सिनेमा कैफ़े। सिनेमा कैफ़े में बहुत कुछ है, क्या आइडिया सोच के आपने यहीं पे इवेंट रखा, इसी वेन्यू को चूज़ किया? पहले तो अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, कैसे हैं सब लोग। इसलिए रखा क्योंकि मैं जगह जगह जा चुकी हूँ, जो इस कैफ़े में बातें डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट था। सिनेमा कैफ़े का मतलब है सिनेमा, तो सिनेमा की हर चीज़ यहाँ थी। और जाहिर सी बात है, अगर यहाँ आएंगे टिकटॉक बनाएंगे तो एक डिफरेंट चीज़ होगी। हम प्लेयर में भी गए और डिफरेंट जगह गए, मगर वो बात नहीं हुई। जो यहाँ एक फीलिंग आई कि वाकई हम टिकटॉकर्स हैं, कहीं भी खड़े होकर किसी भी कोने में हम वीडियो बनाएंगे तो एक फीलिंग आएगी कि हाँ हम स्टार हैं। यहाँ पे देखा कि सिर्फ ये जो है ना, स्टार्स को बड़ा मिक्स करके लगाया गया है। यहाँ पे बड़े अच्छे अच्छे जो पोस्टर्स हैं वो भी आविदा किए गए, पुरानी फिल्मों को दिखाया गया है, तो इससे वीडियो का कॉन्सेप्ट कैसे निकलेगा? ऑफकोर्स वीडियो का कॉन्सेप्ट निकलेगा, जाहिर सी बात है पुराने नए गानों पर हम लोग वीडियो बनाते हैं, तो जो गाने समझ में भी नहीं आएंगे वो इन्हें देख के 100% अंदर से निकलेंगे कि हाँ इस गाने पर वीडियो बननी चाहिए, क्योंकि अभी तक वीडियो बनी नहीं है। इस वक्त जो है टिकटॉक जो है ना ट्रेंडिंग इख्तियार करता जा रहा है, जो अक्सर आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो दूसरे सोशल मीडिया से कट के इस तरफ आ रहे हैं, ऐसा क्या देखती हैं आप? टिकटॉक बेसिकली एक नाम से अपना फेमस है टिकटॉक, ठीक है, और भी है, वीको है, मगर जो टिकटॉक में बात है वो सिर्फ नाम से चल रहा है। नाम से जो चीज़ चलती है, जो दिखती है वो बिकती है। इसमें कोई ऐसी ख़ास बात है कि जो लोग जो दीवानावार टिकटॉक पर आते इसलिए जा रहे हैं क्योंकि स्टार आते जा रहे हैं, तो उन लोगों को बेचारे जो छोटे स्टार हैं वो फॉलो करते हैं, वो देखते हैं उन्हें, उनकी नकल करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि फेमस होना ही होना है। वो सोचते हैं अगर वो फेमस हुए तो हम क्यों नहीं हो सकते। महक, आपने काफ़ी वीडियो हम आपकी देख चुके हैं, आपकी कई बार वीडियो जो है वो बड़ी ट्रेंडिंग में होती है, अचानक नज़र में आ जाती है, तो कॉन्सेप्ट कहाँ से लेती हैं? बस टिकटॉकर्स जो हैं वो दीवाने होते हैं असल में, उनको कुछ समझ में नहीं आता, जो लगता है वो सोचते हैं बस चल दो तो दिमाग में जो चीज़ आती है बस चल देती है, सोच साच के कुछ नहीं होता, बस अचानक बैठे हो तो सोचो कि हाँ ऐसा होना चाहिए तो ऐसा हो जाता है। वीडियो बनाने के लिए कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है या सिर्फ रैंडम मोबाइल पकड़ा और वीडियो बना दी? ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के लिए सोचा ना जाए, सोचा जाता है, मगर हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी कोई वीडियो वायरल हो जाए, अचानक ऐसे ही चल जाती है। महक, अब जिस तरह लोग दीवानावार टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ये अच्छा ट्रेंड है कि बंदे जो हैं अपनी जॉब को डिस्टर्ब करते हैं, घर लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं, फैमिलीज़ जो हैं वो इस टिकटॉक की वजह से डिस्टर्ब होती हैं, हस्बैंड को वाइफ से बाज़ात प्रॉब्लम होती है, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम होती है, बच्चों का होता है, ये एक्चुअली इन चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, मैनेज होती हैं, क्या है इस प्रॉब्लम को कैसे हल किया जाए? एक्चुअली ये बेसिकली एक अब आदत बन चुकी है, इसको आप हल कर ही नहीं सकते। ये चीज़ बिल्कुल ठीक है कि हस्बैंड को वाइफ से, वाइफ को हस्बैंड से प्रॉब्लम हो रही है, बट क्या कर सकते हैं, जिसको आदत पड़ जाती है एक बार टिकटॉक की वो नहीं छोड़ सकता। और ये बात फैक्ट है कि बच्चों पे बहुत असर हो रहा है, फैमिली पे असर हो रहा है, और जाहिर सी बात है बच्चों का स्कूल होता है, चीज़ें होती है, बट टिकटॉकर इतने दीवाने हो चुके हैं कि वो ये सब नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन देखें, जब इसके नुकसान होते हैं, कि टिकटॉक का एक नुकसान भी है, देखें फ़ायदे अपनी जगह, नुकसान अपनी जगह, उन पे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? वो तो खुद ही कंट्रोल करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि टिकटॉक एक लिमिटेड टाइम में बनाए, एक दिन पर्टिकुलर होना चाहिए टिकटॉक बनाने के लिए, बाकी आप टाइम अपनी फैमिली को दो, सबको ठीक होगा। टिकटॉकर को कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसा पैगाम, कोई मैसेज स्पेशल बात? टिकटॉकर्स को मैसेज मेरा यही है कि ज़्यादा टिकटॉक के पीछे ना भागो, क्योंकि अब फेमस वही लोग होंगे जो कि स्टार अब दुनिया में उतर चुके हैं, टिकटॉक में उतर चुके हैं। जो सीरियल फिल्मों में काम करते हैं वो अब टिकटॉक में उतर चुके हैं, उनका आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप बस मस्ती बनाते रहो, अपने इन्जॉय के लिए टिकटॉक बनाओ, टिकटॉक को सवार मत करो दिमाग पर, टिकटॉक को इन्जॉय की तरह लो, तो टिकटॉक आप खुद फेमस हो जाओगे, आपको ज़रूरत नहीं है कि फोर्स करने की। जी बिल्कुल, टिकटॉक जो है आपको खुद ही फेमस कर देगा, आप खुद ही फेमस हो जाओगे, वो बात अलग है, लेकिन टिकटॉक को इन्जॉयमेंट के लिए इस्तेमाल करें, इन्जॉय करें और बस इन्जॉय करें। थैंक यू सो मच। हमें देखने के लिए हमारा चैनल लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लव यू।